नमस्कार, मैं खुशवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। शाम तक की खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के इन जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, क्या इस बार भी आजादी का उत्सव धूमधाम से नहीं मना पाएंगे बिहारवासी? 75 मजिस्ट्रेट और 800 पुलिस बल गृह की सुरक्षा के बीच अमित शाह पहुंचे पटना। भारत के हिस्से में 2 दिन में 1 गोल्ड सहित 4 मेडल। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने धोनी को दी बड़ी राहत। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इन जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, आज सुबह नेपाल के काठमांडू में 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक काठमांडू से 147 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इसका केंद्र था। इस भूकंप के झटकों का असर नेपाल से सटे बिहार के कुछ जिलों में भी महसूस की गई है। आपको बता दें कि मधुबनी और दरभंगा सहित कई जिलों में भी झटका महसूस किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर, सुपौल, कटिहार, लखीसराय में भी लोगों ने 5 से 7 सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस किए हैं। साथ ही नेपाल में सटे यूपी के कुछ जिलों में भी झटके महसूस किए गए हैं। जेपी नड्डा को पीयू से शिक्षा प्राप्त करने का ऋण चुकाना चाहिए। बीते दिन भाजपा की कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए पटना पहुंचे जेपी नड्डा की ऊपर छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि बीते दिन रोड शो के दौरान जेपी नड्डा के काफिले के पास कुछ छात्रों ने हाथ में काला झंडा लेकर गो बैक नड्डा के नारे लगाए। वहीं इन सबके बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि आज पटना विश्वविद्यालय में छात्रों ने काला झंडा दिखाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आंखों को खोलने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने पटना विश्वविद्यालय को देश का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, जिसके चलते आज पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को काला झंडा दिखाकर वास्तविकता से रूबरू कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने का ऋण चुकाना चाहिए। बिहार निवास बिहार सदन दिल्ली में तैनात फिरोज आलम के पास ठिकानों पर छापा। सरकार के नाक के नीचे अवैध तरीके से धन कुबेर बनने वाले अधिकारियों पर लगातार आर्थिक अपराध इकाई शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम के ठिकानों पर आज सुबह से छापेमारी चल रही है। इन पर आय से 51.08% अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट से तलाशी वारंट मिलने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम फर्स्ट अभियंता के पास ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खबर लिखे जाने तक फिरोज आलम के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। क्या इस बार भी आजादी का उत्सव धूमधाम से नहीं मना पाएंगे बिहारवासी? एक ओर जहां केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान चलाकर देश के प्रति प्रेम और सौहार्द दिखाने के लिए भारतवासियों से अपील कर रही है, वहीं कोरोना की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर भी आजादी का उत्सव मनाने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कैबिनेट सचिवालय विभाग के द्वारा सर्कुलर में कहा गया है कि पटना को छोड़कर इस अवसर पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। इस बार आयोजित कार्यक्रम में बिहार के आम लोगों के अलावा अन्य राज्यों के आमंत्रित होने वाले लोगों को भी ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। वहीं 13 से 15 अगस्त तक सुबह की सैर करने वाले लोगों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। 75 मजिस्ट्रेट और 800 पुलिस बल गृह की सुरक्षा के बीच अमित शाह पहुंचे पटना। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना आ चुके हैं। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज पटना आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान, ज्ञान भवन तक कड़ी सुरक्षा देखी गई। बेली रोड, डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर और ज्ञान भवन के आसपास जवानों की तैनाती भी की गई थी। वहीं सुरक्षा को लेकर 75 मजिस्ट्रेट व 800 पुलिस बल को लगाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमित शाह आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन समारोह में शिरकत करने पटना पहुंचे हैं। इस कॉलेज के छात्रों ने बनाया ई साइकिल और स्मार्ट डस्टबिन। बिहार प्रतिभाओं का क्षेत्र है, यह सिर्फ यूं ही नहीं कहा जाता। आए दिन बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आती हैं। इसी बीच छपरा पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर सौर ऊर्जा और बैटरी से चलने वाली ई साइकिल का निर्माण किया है। खास बात तो यह है कि ये प्रदूषण मुक्त और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर है। इस साइकिल की खासियत की बात करें तो ये प्रति घंटा 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है और 120 किलो तक का वजन अपने साथ खींच सकती है। वहीं डस्टबिन की खासियत की बात करें तो इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर, सर्वो मोटर, आरडीओ, यूएनओ आदि का उपयोग किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस डस्टबिन के पास जैसे ही कोई गार्बेज लेकर जाता है, वैसे ही डस्टबिन अपने आप खुल जाता है। बिहार के इन जिलों में आज सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने कीमतों में कमी करके आम आदमी को राहत दी है। आज मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, दरभंगा,
मुंगेर, नवादा, रोहतास, वैशाली समेत कई जिलों में तेल के दाम में गिरावट आई है। राज्य में पेट्रोल के दर से ओवरऑल 51 पैसे की कमी आई है। वहीं भागलपुर, गया, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी समेत 14 जिलों में तेल के दाम बढ़ गए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की कमी आई है। यहाँ डीजल के दर में 32 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही पटना में पेट्रोल के दाम 107 रुपये 24 पैसे और डीजल का दाम 94 रुपये 4 पैसे देखा गया है। पटना एयरपोर्ट से 25 सितंबर तक नहीं उड़ान भरेंगे ये विमान। राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उड़ान भरने वाले हवाई यात्रियों के लिए अहम सूचना है। नए शेड्यूल में 24 सितंबर तक के लिए पटना एयरपोर्ट से 55 जोड़ी यानी 110 विमानों का टाइम टेबल जारी किया गया है। इसमें रात की बेंगलुरु पटना पुणे फ्लाइट को 25 सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रात में दिल्ली जाने वाले इंडिगो और पटना से टेक ऑफ करने वाले शमशाबाद पटना रामराबाद फ्लाइट को भी 25 सितंबर तक कैंसिल कर दिया गया है। बाकी सभी विमानों का परिचालन शुरू है। हालांकि टाइम टेबल थोड़ी बहुत बदलाव की गई है। गुरु गोविंद सिंह के चरणों में मत्था टेकने पटना सिटी पहुंचे जेपी नड्डा। भाजपा कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में मत्था टेका और गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया। साथ ही देश में शांति और देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव, ऋतुराज सिन्हा समेत बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजधानी पटना में बीजेपी के साथ राष्ट्रीय मोर्चा की 2 दिवसीय संयुक्त कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें शामिल होने के लिए शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना आए हैं। क्या अब महुआ से चुनावी मैदान में उतरेंगे तेज प्रताप यादव? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के कारनामे के साथ साथ उनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर खुलकर नहीं कहा है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चे बने हुए हैं कि दरअसल बीते दिन महुआ पहुंचे तेज प्रताप के सामने ही कार्यकर्ता चिल्लाते रहे कि अब तेज प्रताप महुआ से चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद महुआ जिला बनेगा। महुआ पहुंचे तेज प्रताप यादव ने पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो को फ्लॉप बताते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों द्वारा लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने लगे हाथ महुआ में क्रिकेट स्टेडियम खोलने और महुआ को जिला बनाने की मांग भी किया। पप्पू यादव को कोर्ट ने दी राहत तो अरुण कुमार को मिली 3 साल की जेल। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और मधेपुरा के पूर्व सांसद सहजाब सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ जहानाबाद न्यायालय में दायर परिवाद में पूर्व सांसद अरुण कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने के बयान के खिलाफ केस दर्ज था। वहीं पप्पू यादव के खिलाफ भी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का परिवाद पत्र लिखा गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पप्पू यादव को तो राहत दे दी है, लेकिन पूर्व सांसद अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई। हालांकि न्यायालय ने 5,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। 20% तक बढ़े दवाओं के दाम। आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। एक साल में 2 बार दवाइयों की कीमत में इजाफा हो चुका है। फिर से नए MRP के साथ दवाओं की कीमत बढ़ गई है। ऐसे में एक साल में 3 बार दवाओं के रेट बढ़ा दिए गए हैं। जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में करीब 20% यानी 18 रुपये से 22 रुपये प्रति पत्ते तक की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई की मार सबसे ज़्यादा BP, शुगर, एलर्जी, गठिया आदि मर्ज के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर पड़ी है। इनकी कीमत 10% से लेकर 20% तक बढ़ गई है। पेन किलर के दाम 30 रुपये तक बढ़ गए हैं। इसमें लंबे समय तक चलने वाली दवाएं शामिल हैं। दवा कंपनियां मूल्य बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह रॉ मटेरियल की सप्लाई न मिलना बता रही है। भारत के हिस्से में अब तक 2 दिन में 1 गोल्ड सहित 4 मेडल। ब्रिटेन के बर्मिंगम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारत का खाता सिल्वर मेडल से खुला और अंत भी सिल्वर पर आकर हुआ। इसके बीच 1 गोल्ड और 1 सिल्वर भी भारत के खाते में आया। आपको बता दें कि एक बार फिर से मीराबाई चानू ने बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं बाहुबली संकेत महादेव सरगर ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। गुरु राजा पुजारी ने 61 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं बिंदिया रानी देवी ने भारत को 4th मेडल दिलाते वेटलिफ्टिंग के 55 किग्रा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता और इसी के साथ खबर लिखे जाने तक भारत के खाते में 4 मेडल आ चुका था।
चेक बाउंस मामले में कोच ने धोनी को दी बड़ी राहत। चेक बाउंस मामले में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल पोखरिया निवासी डीएस एंटरप्राइजेज के मालिक नीरज कुमार निराला ने 24 मई को नई दिल्ली स्थित न्यू ग्लोबल उपज वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ सीजेएम के यहां मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मामले की तहकीकात के दौरान अधिवक्ता गोपाल कुमार ने अदालत में उपस्थित होकर धोनी का पक्ष रखते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी के ना तो चेयरमैन है और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, वह मात्र शेयर होल्डर है। इस मामले में अदालत ने महेंद्र सिंह धोनी समेत 4 लोगों को आरोपी मानने से इनकार कर दिया। धोनी के खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनने से महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत मिली है। देश भर में कोरोना के मामले में मामूली गिरावट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 19,673 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.48% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 45 है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़े के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 266 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 84 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, नुन्नू कुमार, राजकुमार प्रसाद, संजीत कुमार, सुमन, राजेश कुमार यादव, अल्केश कुमार, सत्येंद्र शाह, रंजीत यादव, छोटू यादव, सुजाता पांडे, भान प्रकाश मौर्य और हसनैन मंजर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में बढ़ते भ्रष्ट अफसरों की संख्या का कारण आप किसे मानते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।